हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। तो मेरा अभी स्टार्ट हो चुका है ब्लॉग, तो हैप्पी नवरात्रि। तो मैं बना नहीं पाई थी, कोई बात नहीं, सुबह करने। तो अभी मैंने माता रानी का श्रृंगार कराने लगती हूँ। तो ये देखो माता रानी का श्रृंगार, एक बिंदी भी लगाई है पिंक कलर की। गाइस ये माता रानी की ड्रेस है, ये देखो मुकुट, उनकी माला, ये कपड़े मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये देखो ये, और ये नारियल हमने स्थापित करा है सर। और सब मेरा हाथ देखो गाइस, इसके चक्कर में मेरे हाथ ऐसे थे। अब मैं इसे अच्छे से पाउडर बनाऊंगी और इसे होली पे इस्तेमाल करूंगी। और गाइस ये देखो मेरी डेकोरेशन, मैं जरूर ऊपर कर लूँ, थोड़ा सा ड्रोन वाला शूट लेते। हाँ गाइस, तो ये देखो सारे भाव। ये देखो गाइस मैंने एक और एडिशन किया, ये चीज़ों का, ये फ्लास्क का, ठीक है, ये इसका, और ये लाइट्स का। वो जो झूमर थे ना मैंने हटा दिए, और हम ये लाए थे कल खरीद के, ये बगरती ये सब। और ये जो था ना हमारा कल, हमारा यहाँ पे लटक रहा था, ये हमने ये फूल एक ऐड किया, और ये फूल भी ऐड किया हमने गाइस, ये फूल ऐड किया उसके साथ ये लगा दिया। तो ये हमारी डेकोरेशन हो गई। तो गाइस हैप्पी नवरात्रि, तो माता रानी के आशीर्वाद ले लो। और अभी हम बाकी की पूजा करेंगे, क्योंकि हमने कम पूजा की थी, तो इस चक्कर में अभी हम काफ़ी पूजा करेंगे। चलो मेरा भी आज फास्ट है, मम्मी का भी आज फास्ट है, मैं दिखाती हूँ मैं मम्मी कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मेरा तो यही है अभी, अभी मैं चेंज करूँगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी मैं। मैंने बड़ी मुश्किल से कपड़े डिसाइड किया, मेरे पास पड़े थे तो दूल्हे वाले कपड़े है, ये भी दूल्हे हैं, क्योंकि सुबह पूजा हो गई है। तो अभी जो थोड़ी बड़ी पूजा रह गई थी वो भी कम्प्लीट कर लेंगे शाम की। चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तो जब मम्मी पूजा करेगी। और गाइस इस बार की डेकोरेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस, मुझे बड़ा इंतज़ार रहता है। ठीक है, आप बताते नहीं हो ना, इस चक्कर में थोड़ा सा मैं नाराज ही हो जाती हूँ, तो मेरे को बताना। हाँ गाइस, क्या बस थी, छोड़ो ना, कैसी बस थी। तो गाइस एक बार माता रानी की जयकारा लगाते थे, जयकारा चिरा दीदा बोल साथे दरबार की जय। तो गाइस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब थोड़ी देर में, नेक्स्ट व्लॉग में नहीं, थोड़ी देर में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है, तो चलो मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये है हवन कुंड और ये हवन सामग्री, ये देखो अम्मा की कामिनी गुम भाग के श्री पुतना और पुतना और कामिका लिंग की और महेश्वरी बुद्धा की रक्षा करे, भगवती कटिभाग की विंध्यवासिनी भुटनों की, महाबला दोनों दोनों पंडलियों की रक्षा करे, नरसिंधी दोनों भुट्टियों की, तेजसी चरणों के पृष्ठभाग की, श्रीदेवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी पैरों के तलवों की रक्षा करे, दृष्टा करारी देवी नखों की, उर्ध केशनी केशों की, रूम केपू की कुबेरी और त्वचा भाग त्वचा की बागेश्वरी देवी, रक्षास वर्दी और वेद की काल रात्रि आतो। तो गाइस ये मम्मी सप्तशती पाठ कर रही है, कुछ को नहीं पता होगा। तो सप्तशती पाठ और 11 आहुति विद हवन हम करेंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको इस हवन की खासियत बताई होगी या शायद नहीं बताई होगी, एक जिससे हमने लिया है, जिनसे माता रानी के कपड़े लिए ना, वो खुद ये बनाते हैं। पूजा हो रही है, तो ये जो फूल है ना ये उठा लेती और तमोबल की रक्षा तथा नारायणी देवी। भर्गो देवस धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। लकड़िया क्यों नहीं जल रही, तेल डालो, तेल तेल तेल
सचतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। साइड में डालो। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आहुति मैंने दी थी, 11 आहुति देती हूँ, मेरे को और ज़्यादा तो आता नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं गायत्री मंत्र की 11 आहुति कर देते हैं हम लोग, तो ये कर दिया। अब ये थोड़ा सा मतलब जो आहुति देते हैं ना, जिससे जो पूजा का वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, हवन सामग्री होती है ना फ्रेंड्स, उसको वो अंदर इसमें मतलब बहुत ही वो बेनिफिशियल होता है, तो उसको मैं पूरे घर में घुमा दूँगी, जिससे उसका धुआँ जो है वो पूरे मेरे घर में मतलब असर हो जाए थोड़ा सा। क्योंकि अभी आपको भी मालूम होगा, मेरी मदर की, पहले मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी, फिर उसके एक महीने बाद ही मेरी मदर की भी डेथ हुई है, तो मतलब थोड़ा सा सही रहता है उसे। तो फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में।